व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम है रदा खान, आप देख रहे हैं टेक वॉच। ये है रियलमी 10 प्रो प्लस, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे रियलमी फोन, ओप्पो फोन और वन प्लस के फोन में। अगर आपको फोन, आप कोई सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हैं मान लीजिए, और उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। वैसे रेडमी के फ़ोन में कैसे चेक करना है ऑलरेडी हमने बता दिया है, सैमसंग के फ़ोन में कैसे चेक करना है वो भी हमने बता दिया, आपको लिस्ट में दे देंगे। और हमारे रेडमी नोट 10 प्रो के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से वो लोग वहाँ पर से करते हैं। लेकिन इस फ़ोन में भी बहुत ही आसानी से करते हैं और बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हैं फ़ोन को पूरा का पूरा चेक। तो कैसे करना है तो सब कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आपको क्या करना है, रियलमी का फ़ोन, ओप्पो का फ़ोन, वन प्लस का फ़ोन में आपको एक चीज़ दिखेगा, फ़ोन मैनेजर। फ़ोन मैनेजर रहेगा या फिर वन प्लस में कुछ अलग रहेगा, तो उसके अंदर आप जाइएगा। अंदर जाने के बाद ये जैसे ओपन होगा तो इसके तीन डॉट में क्लिक करिएगा और यहाँ पर डायग्नोस्टिक लिखा रहेगा, इसमें क्लिक करिएगा। डायग्नोस्टिक जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या चेक करना है, जैसे सब कुछ चेक करना है तो सब में आप टिक मार्क कर दीजिए। अगर आपको सब नहीं करना है, कुछ कैमरा चेक करना है, ऑडियो चेक करना है या फिर वाइब्रेशन चेक करना है, तो उसको सिर्फ आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पर से रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं कि आपने इससे पहले क्या किया है और आपके फ़ोन में कितना इशू है। तो हमने आपको यहाँ पर से चेक किया था, खैर वो वहाँ पर हम बाद में जाएंगे, यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है तो यहाँ पर रन डायग्नोस्टिक कर दिया। अब यहाँ पर जो है शुरू हो गया है चेक करना कि फ़ोन कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर से चेक हो जाएगा एक एक करके। जिसको आपको चेक करना है उसको चेक करिए, जिसको नहीं करना है नहीं करिए। तो देखिए यहाँ पर से बोल रहा है कि स्क्रीन शॉट लीजिए, चेक करना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 उंगली रखना है तो 10 लिखिए, देखिए 10 रखे, 10 उंगली रखे, 5 हटाए तो 5 रखा रहा है, 2 रखा था, 3 रखा रहा, 6 रखा रहा, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से पर से हम चेक कर लिए, यहाँ पर से पिक्सल वगैरह चेक करना है तो ऐसे चेक कर लीजिए, कहीं पर बर्न तो नहीं हो रहा, कुछ तो दिक्कत तो नहीं है, तो वो सारा चीज़ को आप आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर से ये चेक करना है कि 8 कलर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो भी चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैमरा जो है फ्लैश वगैरह यहाँ से जला सकते हैं नहीं जला सकते, वो सारा चीज़ यहाँ पर से देखिए दिखता होगा। साउंड इशू है या नहीं है तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वॉइस का भी कर सकते हैं यहाँ पर से, ये वाला जो है इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सब सारा चीज़ जो है, जायरोस्कोप वगैरह चेक हो जा रहा है, देखिए सारा कुछ, वाइब्रेशन वगैरह चेक हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर से वाईफाई वगैरह चेक हो जा रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ देखिए कनेक्ट हो गया। तो ये सारा चीज़ को यहाँ पर से टेस्ट कर ले रहा है बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से यहाँ पर से मतलब टेस्ट कर सकते हैं फ़ोन में कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए इस तरह का कुछ यहाँ पर GPS, देखिए एक चीज़ में यहाँ पर सैटेलाइट कौन रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिखा है, तो उसको हम चेक कर लेंगे बाद में कि क्या प्रॉब्लम आया है हमारे फ़ोन में। अच्छा, चार्जिंग प्लग उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो इस तरह का 12 चीज़ को यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से 12 आइटम को ये चेक कर लिया है। चार्जिंग का बोल रहा है पोर्ट लगाने के लिए, तो हमको अभी नहीं लगाना तो हम स्किप कर देंगे। तो ये सारा चीज़ है। तो यहाँ पर फिक्स द इशू लिखा हुआ है कैसे करना है, तो यहीं से आप फिक्स कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वगैरह में जाकर देखिए यहाँ पर से आप लिख दीजिए और भेज दीजिए कि भैया मेरे को दिक्कत है, ऑप्टिमाइजेशन अनकरेंट चार्जिंग टाइप में प्रॉब्लम है, यहाँ पर नॉर्मल सारा कुछ, ये सब सारा चीज़ को यहाँ पर टेस्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से रिजल्ट वगैरह शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से अगर हम आएंगे तो इसका रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कि क्या चीज़ में दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत नहीं है, वो सारा चीज़ आपका फ़ोन का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा इसलिए लगा कि चार्जिंग वगैरह हम लगाने बोला, हम नहीं लगाए, यहाँ पर से 3 जो इशू आया था तो वो सारा चीज़ जो है यहाँ पर से मतलब चेक करने के लिए बोला गया, तो वो मैंने नहीं किया, तो इस वजह से ऐसा दिखा। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, यहाँ से देखिए चार्जिंग टाइप में इशू दिखा रहा है क्योंकि हमने चार्जर नहीं लगाया। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को यहाँ पर से आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पिछले वीडियो में मैंने दे दिया है ऑलरेडी, कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई साइड बार में ना वो ऑडियो बैकग्राउंड ऑडियो का फंक्शन नहीं दिया गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं भैया। बैकग्राउंड का फंक्शन जो है ना ऑडियो में दे दिया गया है। जैसे हम कोई भी अगर हम ऐप चलाते हैं, कुछ भी रील्स वगैरह चलाते हैं, तो देखिए यहाँ से बैकग्राउंड स्ट्रीम का करेंगे, अगर ऐसे कर देंगे देखिए हो जाएगा, यहाँ पर से
से हो गया, ठीक है, चल रहा है बैकग्राउंड में, इसको बंद करना है तो हम यहाँ से कर भी सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यही था, तो ये इस वीडियो में हमने जो बताया आपको, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को शेयर करिए अगर आप हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो।